जी, अगर चिकन की सूरत हाल की बात की जाए तो कल 209 रेट था, आज 220 रुपये रेट है शहर में। और शहर में अगर बात की जाए चिकन की, तो चिकन की दुकानों में बेशतर जो है वो चिकन गायब है, सप्लाई नहीं आ रही। एहतजाज के बायस लाहौर शहर के दाखिली खारजी रास्ते जो हैं वो बंद हैं, इसी बायस जो है वो आज चिकन की तरसील को मुमकिन नहीं बनाया जा रहा। हमारे साथ ये मौजूद हैं दुकानदार, इनसे बात करते हैं। आज तो आपका अड्डा ही बंद पड़ा हुआ, क्या वजह? वजह जी, रास्ते बंद हैं सारे, तो ना सप्लाई आ सकी है, इसलिए जो है ना वो दुकानें बंद पड़ी हैं। पूरी मार्केट बंद है हमारी कड़ी चौक, किसी के पास चिकन नहीं है। और कल 209 रेट था, अभी जो सरकारी लिस्ट आई है हमारे पास, ये लिस्ट लगी हुई है, 220 रुपये रेट आया, इसलिए वो रेट भी बढ़ा है, क्योंकि रास्ते बंद हैं, तो पीछे से जो है ना वो फार्मर ने महंगा माल दिया है, तो उसकी वजह से ना रेट भी बढ़ा दिए हैं और आगे दुकानें भी बंद पड़ी हुई हैं। अच्छा, मुझे बताएं, वैसे हमने भी ये सारा बाज़ार जो है वो चेक किया है, दूसरी मार्केट भी चेक की है, हमें भी ऐसे ही दुकानें जो हैं वो बंद ही नज़र आई हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि मतलब कि सप्लाई नहीं आई, और ये तमाम शहर में यही हाल है? पूरे शहर में यही हाल है जी, पूरे लाहौर में चिकन नहीं है, सप्लाई की वजह से जो है ना तमाम मार्केटें बंद हैं, मुर्गी की तमाम दुकानें बंद हैं। जी, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी कि जो है वो सप्लाई नहीं पहुंच पा रही लाहौर शहर में, और इनका ये कहना है कि शहर में 80% से ज़ायद जो दुकानें हैं वो बंद हैं, जिनके पास चिकन है वो कल का ही पड़ा होगा चिकन, और आज इसी वजह से सप्लाई ना आने की बायस जो है वो चिकन की कीमतों में इजाफा हुआ है, और 220 रुपये पर केजी जो है वो चिकन महंगा हो चुका है। जी।